दुनिया भर में कई ऐसी अजीबोगरीब परंपराएं हैं जिनके बारे में जानकर हैरत होती है। ऐसी ही एक विचित्र परंपरा इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी प्रांत के ताना तोराजा में मनाई जाती है। इस परंपरा के तहत यहां मरने वाले छोटे बच्चों को जमीन में नहीं दफनाया जाता है, बल्कि उन्हें पेड़ों के अंदर दफन कर दिया जाता है। जी हाँ, सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपको बता दें, इस परंपरा को निभाने वाले लोगों का मानना है कि इससे बच्चे मरने के बाद प्रकृति की गोद में समा जाते हैं। बच्चे के शरीर को दफनाने के लिए लोग पेड़ के तने में गड्ढा करते हैं, इसके बाद कपड़े में लपेटकर ताड़ के पेड़ से बने फाइबर से ढक देते हैं। समय बीतने के साथ पेड़ों के ये गड्ढे भर जाते हैं। गाँव वाले मानते हैं कि बच्चों की आत्मा को हवा अपने साथ बहा ले जाती है। बता दें कि यह परंपरा सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए होती है जिनकी मौत दांत निकलने से पहले हो गई है। वयस्क और युवाओं को जमीन के अंदर ही दफनाया जाता है। आपको बता दें, बच्चों को पेड़ों के अंदर दफनाने वाले इस गांव में एक विचित्र परंपरा वयस्क लोगों से भी जुड़ी है। इसके तहत मरने वाले लोगों के वंशज कब्र से अपने पूर्वजों के डेड बॉडी को निकालते हैं, उसके बाद उन्हें नए कपड़े पहनाकर पूरे गांव को घुमाते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।